साथियों गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी तो ये टैगलाइन बन चुकी है क्योंकि लगभग 50 दिनों से हम कंटिन्यू आ रहे हैं सुबह 9 बजे। और आज मैं इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हो सकता है हमारे बीच में बहुत सारे नए साथी पहली बार जुड़ रहे हों, उनका मोस्ट वेलकम है। पुराने साथी कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, उनका प्यार और सहयोग मिलता रहता है। नए साथियों के लिए मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। साथियों, मेरा नाम मोहन नागर है और मैं बेसिकली गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अभी मैं 7 साल की जर्नी अपनी पूरी कर चुका हूँ, 8वें साल में एंटर कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपने 7 साल का एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता हूँ और बार बार वीडियोज़ के माध्यम से आपसे रोज मिलता हूँ। साथियों, जैसे कि आज का टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा होगा, फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग फॉरएवर ज्वाइन कर लेते हैं, उनको समझ में आ चुका है कि फॉरएवर करना है, फॉरएवर में अच्छा करियर है, तो अच्छा करियर बनाने के लिए वो फॉरएवर को ज्वाइन तो कर लेते हैं। लेकिन फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद क्या करना है उनको अक्सर ये पता नहीं होता और वो इधर उधर भटकते रहते हैं। साथियों, फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद ये 6 महत्वपूर्ण कारण हैं, ये 6 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये 6 महत्वपूर्ण रास्ते हैं, ये 6 महत्वपूर्ण कदम हैं जो आपने उठाने हैं। अगर आप इन कदम को उठाएंगे, अगर आप इन 6 महत्वपूर्ण रास्तों पर चलेंगे, तो नो डाउट आप एक शानदार लीडर बनकर निकलेंगे, आप एक शानदार मैनेजर बनकर के यहाँ निकलेंगे। ये 6 कदम कौन से हैं, हम इनके ऊपर एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। पहला कदम, आपने यहाँ प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। बहुत सारे साथी आ जाते हैं, आकर के ज्वाइन भी कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते। वो ऐसा समझते हैं कि प्रोडक्ट मुझे यूज करने की क्या जरूरत है, मैं आराम से ऐसे ही शेयर कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साथियों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको सेल्समैन नहीं बनाती है जो आप सेल कर देंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको प्रमोटर बनाती है। सेल्समैन में और प्रमोटर में बहुत बड़ा अंतर होता है, हमें समझना पड़ेगा। सेल्समैन किसी भी कंपनी में कोई एक जॉब पर रखा जाता है, वो जाकर के घर घर जाकर के दुकानों पर जाकर के बेचता हुआ फिरता है, बेच करके आ जाता है। उसका एंड मोटिव क्या होता है, किसी भी तरीके से मेरा प्रोडक्ट बिक जाना चाहिए। वो प्रोडक्ट को बेचने पर जोर लगा देता है, वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देता, बस चेपने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन जो प्रमोटर होता है वो प्रोडक्ट की जानकारी रखता है, उसके पास फीलिंग होती है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है और उसका मोटिव ये रहता है कि सामने वाले व्यक्ति को यूजर बनाया जाए और कंटिन्यू यूजर बनाया जाए, ना कि एक बार चेपा जाए। फॉरएवर आपको कंटिन्यू यूजर बनाने के लिए बोल रही है, तो आपको प्रमोटर बनाना चाह रही है। क्योंकि आपने एक बार किसी को प्रोडक्ट चेप दिया, क्या दूसरी बार वो लेगा, क्या तीसरी बार वो लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। लेकिन अगर आप किसी को नॉलेज शेयर करेंगे, आप किसी को जानकारी देंगे, आप किसी को बताएंगे, तो बार बार प्रोडक्ट परचेज करेगा वो। साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं तो बिना प्रोडक्ट यूज करे भी शेयरिंग कर सकता हूँ, मेरा जैसा मास्टर आदमी तो आज तक आपने देखा ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं देखा आपके जैसा मास्टर आदमी मैंने। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मास्टर लोग भी फंस जाते हैं। कैसे? सपोज दैट आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से 4 बोतल मंगाई एलोवेरा जेल की, ठीक है? आप बड़े एक्साइटेड हैं फॉरएवर की एलोवेरा जेल को लेकर के, आपने कोरियर करवाई, कोरियर से आप उस कोरियर को लेकर के आ रहे हैं और रास्ते में आपके ताऊ जी आपको मिल गए। आपके ताऊ जी पूछते हैं, हाँ भाई लाला क्या लेके आया है, हाँ बेटे क्या लेके आया है, या आपका नाम लेकर के बोलते हैं, तो आप तो बड़े मास्टर हैं, आप तो बेचने की नीयत से हैं, आप ताऊ जी को उन 4 बोतलों को चिपकाना चाह रहे हैं, ठीक है? आपने बोला, ताऊ जी बेहतरीन आइटम है, मतलब ये समझो कि बेहतरीन ही आइटम है, एक बार आप पी लोगे तो बस मजा ही आ जाएगा। तो ताऊ जी अब क्या बोलेंगे, क्या है, कुछ ठीक है, खराब है, तूने पिया है क्या? तो आप तो मास्टर आदमी है, आप लपेट देते हैं ताऊ जी को, अरे ताऊ जी मैंने तो इतनी सारी बोतल पी है, बस मजा ही आ गया, देख रहे ना मेरे चेहरे के ऊपर चमक, देख रहे हो ना, बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट है। अब ताऊ जी आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, क्या मैं पीऊंगा तो मुझे भी फायदा मिलेगा? तो आप तो मास्टर आदमी है, तो क्या बोलेंगे आप, बेहतरीन रिजल्ट आएगा, बस पी लेनी चाहिए आपको। तो ताऊ जी भी आपके एक्साइटमेंट को देख करके एक्साइटेड हो गए,
उन्होंने बोतल निकाल बोतल अभी, है ना। उन्होंने बोला कैसा है टेस्ट, अब यहां फंस गए क्योंकि आप तो मास्टर आदमी थे, लेकिन बोतल के उत्तर अंदर घुस के आपने टेस्ट थोड़ी चेक किया था कि टेस्ट कैसा है, अब यहां फंस गए। आपने झूठ मूठ के लिए कि ताऊ जी मना ना कर दें, आपने बोल दिया टेस्ट मीठा है, मीठा टेस्ट है ना, आपने ऐसा बोल दिया। अब ताऊ जी ने फटाफट बोतल खोल दी, खोल करके ताऊ जी ने जो जैसे ही घूट मारा तो टेस्ट तो मीठा नहीं था, ताऊ जी ने कुल्ला कर दिया उसका और साथ ही साथ बोतल को भी फेंक दिया कि बोतल खराब हो गई, दूसरी बोतल खोल। आपने दूसरी बोतल खोल दी, दूसरी बोतल का भी सेम टेस्ट मिलेगा। आपने तीसरी और चौथी बोतल भी खोल दी, सबका सेम टेस्ट मिलेगा। अब ताऊ जी कहते हैं यार ये तो आते आते ना कुरियर में सारी खराब होगी, तुमने बोला था इनका टेस्ट मीठा मिलेगा लेकिन इनका टेस्ट तो कुछ भी नहीं है, पानी की तरह लग रही है, तो कसेला कसेला टेस्ट आ रहा है इनका, तो इसका मतलब ये बोतल खराब होगी, चल तू घर चल, चल करके मेरे से पैसे ले लियो और मंगा के मुझे दे, ये तो बेकार है, कंपनी को वापस कर दे, बेकार हो गई है, और पैसे ले और नहीं मंगवा। तो क्या आप नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि जो नहीं मंगवाएंगे उनका भी ऐसा ही टेस्ट आने वाला है। अगर नहीं मंगवा भी लेंगे तब भी तो वही टेस्ट आएगा, या तो आप ताऊ जी से चेहरा छुपाते हुए घूमेंगे या ताऊ जी से ये बोलना पड़ेगा, ताऊ जी मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने आपको ये प्रोडक्ट चिपकाने चाहे थे, मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं करे थे और मुझे पता भी नहीं था कि टेस्ट कैसा है और मैंने जबरदस्ती आपको फेल दिया, यानी कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशन खराब हो गए। लेकिन अगर आप पहले पी लेते, पहले आपको टेस्ट पता होता तो शायद आपके रिलेशन खराब ना होते और शायद आप अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको दे पाते। तो साथियों जब भी आप प्रोडक्ट को यूज करके किसी को बताएंगे तो बताने का तरीका कुछ और होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होगा, बिना यूज करे बिना फीलिंग लिए, है ना, बिना रिजल्ट लिए अगर किसी को बताएंगे तो वो चेपना होगा, ज्यादा लंबे समय तक वो चलने वाला नहीं है। अब साथियों बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। साथियों प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ सेकंड पॉइंट, अगर आप यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं, प्रमोटर बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा, आपको इसको यूज करने का तरीका सीखना पड़ेगा, आपको यूज करवाने का तरीका सीखना पड़ेगा, आपको इसकी गहराइयों में उतरना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि एलोवेरा कितनी प्रजाति का होता है, आपको ये पता होना चाहिए कंप्लीट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए, उसके सॉल्ट क्या हैं, क्या क्या चीजों डाल करके उनको बनाया गया है, कैसे यूज करवाना है, कैसे फायदा करेगा, क्या क्या फायदे देगा, है ना, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए कंटिन्यू ट्रेनिंग से जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग करते क्या हैं, ज्यादातर लोग जब अपना 2 CC बिजनेस पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद वो लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि जाकर के लोगों को ढूंढ करके लाएंगे और लोगों को भी ला करके 2 CC करवाएंगे। ऐसा साथियों आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, 2 CC का बिजनेस क्वालिफाई करने के बाद इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, अपने परिवार में यूज करवाना चाहिए और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ट्रेनिंग से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलाई जाती और सीख करके लोग हवाई जहाज तक उड़ा लेते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इस बिजनेस को बिना सीखे कर लें, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग गलती कहाँ करते हैं, वो सीखते नहीं है, सीखने पर ध्यान नहीं देते और चले जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, टीम बनाने के लिए। साथियों जब आप पहली बार में 2 CC करने के बाद टीम बनाने जाएंगे तो आपकी टीम नहीं बनेगी, लोगों को समझाने जाएंगे लोग नहीं समझेंगे, लोगों को सुनाने जाएंगे लोग नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके पास अभी वो ही शब्द होंगे जो आप पहले काम कर रहे थे, पहले काम के शब्द आपके पास होंगे, यानी कि पहली इंडस्ट्री के शब्द आपके पास होंगे और आप फॉरएवर में जोड़ना चाह रहे हैं। तो फॉरएवर में कब जुड़ेंगे लोग, जब फॉरएवर के शब्द आप उनके साथ बोलेंगे, फॉरएवर की नॉलेज आप उनके साथ शेयर करेंगे तो फॉरएवर के साथ लोग जुड़ेंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति एडवोकेट बनना चाहता है तो एडवोकेट के कुछ अलग शब्द होते हैं, उसको कोर्ट में वही शब्द बोलने पड़ेंगे। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर्स के प्रोफेशनल शब्द कुछ और होते हैं, उनको वही शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति CA बनना चाहता है तो उसके शब्द कुछ और होते हैं, उनको वही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के भी शब्द अलग होते हैं, आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो लोग आपकी टीम में आएंगे, आपके साथ आएंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे।
तो यहां ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, बिना ट्रेनिंग के फेल होना निश्चित है। साथियों अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। साथियों नॉलेज लेने के बाद थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको यहां काम करने का एक मजबूत कारण ढूंढना है। अगर आपके पास एक मजबूत कारण नहीं होगा तो आप यहां काम नहीं कर पाएंगे, आप यहां आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप यहां तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहते हैं जितना मजबूत कारण होगा उतनी मजबूत आपकी प्लानिंग होगी, और जितनी मजबूत प्लानिंग होगी उतना ही मजबूत आप एक्शन लेंगे, और जितना मजबूत एक्शन लेंगे उतना ही मजबूत आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर आपके पास कारण नहीं है तो आपको यहां कारण ढूंढना चाहिए। अगर आपको कारण मिल गया तो ऑटोमेटिक आप यहां कामयाब हो जाएंगे। जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूं, गाजियाबाद से एक व्यक्ति निकलते हैं गोरखपुर के लिए, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं अजय वर्मा जी, वो गोरखपुर रहते हैं। तो मैं गाजियाबाद से निकलता हूं गोरखपुर के लिए, या अजय वर्मा जी मेरे पास आए हैं और वो गोरखपुर के लिए निकलते हैं, रास्ते में क्या होता है उनको सवारी नहीं मिलती है ना, वो कोशिश करते हैं ट्रेन से जाने की, ट्रेन नहीं मिलती है। लेकिन अजय वर्मा जी को क्यों जाना है घर पे, क्योंकि उनकी सिस्टर की शादी है 3 दिन के बाद, सिस्टर की शादी है 3 दिन के बाद, उनका जाना जरूरी है। ट्रेन नहीं मिलेगी तो अजय वर्मा जी कैसे जाएंगे, ट्रेन नहीं मिलेगी तो वो बस से जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, बस की भी हड़ताल चल रही है, तो अजय वर्मा जी क्या बोलेंगे, बोल देंगे छोड़ो परे को, कोई बात नहीं है, बहन की शादी हो रही है तो हो जाने दो, मैं यहीं हूं, कोई बात नहीं है, ऐसा बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, अब वो कार से जाने की कोशिश करेंगे, कार नहीं मिलेगी तो वो बाइक से जाने की कोशिश करेंगे, और बाइक भी नहीं मिलेगी तो वो पैदल ही निकल जाएंगे, लेकिन वो वहां पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि उनके जाने का कारण क्लियर है। ऐसे ही साथियों अगर आपका फॉरएवर करने का कारण भी क्लियर है तो आपको यहां कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको यहां आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपके पास कारण नहीं है तो आपको यहां कोई आगे बढ़ा भी नहीं सकता, आपको यहां कोई कामयाब कर भी नहीं सकता। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है तो आज मैं आपको एक कारण दे सकता हूं। साथियों आप इस काम को अपने लिए ना करके अपनी फैमिली के लिए करिए। आप अपने लिए वो काम करिए जो आप रोजाना कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं करते रहिए, बिजनेस कर रहे हैं करते रहिए, पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन इस काम को आप अपनी फैमिली के लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए। आज रात में 2 बजे आप उठ करके देखिएगा, उठ करके देखेंगे तो क्या महसूस करेंगे आप, आपका परिवार बड़े चैन से सो रहा है। आप देखिएगा आज जिस बिस्तर पर मैं हूं मेरा परिवार बड़े चैन से सो रहा है, लेकिन अगर कल ये मेरा वाला बिस्तर खाली हो जाए, मैं इस बिस्तर पे ना रहूं, तो क्या जब भी मेरा परिवार इतने ही चैन और सुकून की नींद से सो रहा होगा? अगर उसका जवाब यस है तो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। लेकिन अगर उसका जवाब नो है, आपको लगता है नहीं ऐसे नहीं सो सकता, नहीं कमाने वाला मैं ही हूं, मैं ही नहीं रहूंगा तो परिवार उथल पुथल हो जाएगा, तो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को एज ए स्टपनी अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, एज ए स्टपनी आपको लेकर के चलना चाहिए, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करके आप अपने परिवार को एक अच्छी सिक्योरिटी दे करके जा सकते हैं। आपका एक मजबूत कारण हो सकता है, और ना कि सिर्फ ये, बहुत सारे कारण हैं आपके, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण आपका होगा तो आप यहां कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जब एक मजबूत कारण होगा तो आपके पास मजबूत रिजल्ट भी आएगा, और मजबूत कारण नहीं है तो रिजल्ट भी मजबूत नहीं आएगा। तो साथियों अभी तक हमने कितने पॉइंट पे बात कर ली, 3 पॉइंट पे बात कर ली, अब हम बात करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, हमने ज्वाइनिंग कर ली, ज्वाइनिंग के बाद प्रोडक्ट यूज कर लिया, प्रोडक्ट यूज करने के बाद हमने ट्रेनिंग ले ली, ट्रेनिंग लेने के बाद हमने एक मजबूत कारण ढूंढ लिया, मजबूत कारण हमारे पास आ गया। अब चौथा पॉइंट क्या है, हमने अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ करके प्लानिंग करनी है। साथियों एक्टिव अपलाइन, अब ये एक्टिव अपलाइन और नॉन एक्टिव अपलाइन में अंतर क्या होता है? साथियों जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन करते हैं तो 2 तरीके के अपलाइन आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे आपके स्पॉन्सर, एक मिलेंगे एक्टिव अपलाइन। स्पॉन्सर वो व्यक्ति जिन्होंने आपका फॉर्म भरा है, हो सकता है उन्होंने भी अभी 2-4 दिन पहले आपसे ज्वाइन करा हो, 2-4 दिन पहले ज्वाइन करा है,
तो आपको वो अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे। कौन गाइड कर पाएंगे? जो कंपनी के सिस्टम में बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं, जिनके पास एक अच्छा खासा लेवल है ना, वो कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। आप उनकी गाइडेंस में बैठ करके प्लानिंग करिए कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कहते हैं कि आप किसी ऐसे अननोन सफर पर निकले हैं जिस पे आज से पहले आप कभी नहीं गए, तो आपको एक गाइडेंस देने वाले व्यक्ति की जरूरत है, आपको एक नेविगेशन की जरूरत है, आपको एक रास्ता बताने वाले की जरूरत है, और वो रास्ता बताने वाला यहाँ आपका एक्टिव अपलाइन है। आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठकर के प्लानिंग करिए कि आप अगले 6 महीने में कहाँ जाना चाहते हैं, कितनी इनकम कमाना चाहते हैं, किस लेवल को अचीव करना चाहते हैं, अगले 1 साल में किस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, कितनी इनकम लेना चाहते हैं, कितनी टीम बनाना चाहते हैं, और अपना कौन सा सपना आप अगले साल 1 साल में पूरा करना चाहते हैं, ये बैठ करके प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको अपने एक्टिव अपलाइन के साथ। और एक्टिव अपलाइन के साथ जब प्लानिंग करेंगे तो उसको भी पता होगा कि आप सीरियस हैं, और आपको भी पता होगा कि मुझे काम करना है, मैं अब प्लानिंग कर चुका हूं, और प्लानिंग के आधार पर ही आपको आगे काम करना है। साथियों, जो लोग बिना प्लानिंग के काम करते हैं उनका जीवन ऐसे ही रहता है जैसे एक लड़के की शादी तय हो गई है, अब शादी तय होने के बाद डेट डिसाइड नहीं है कुछ भी, वो बैंड बाजा बुक करने के लिए जाता है और जाकर के बोलता है भैया मेरी शादी है, आपको बैंड बजाने के लिए आना है। तो बैंड वाले पूछते हैं कब आना है, दिन में आना है रात को आना है? तो कहता है कभी भी आ जाना, दिन में आ जाना, रात को आ जाना, कभी भी आ जाना। हलवाई बुक करके आता है तो वो कहता है मेरी शादी है, कभी भी हलवाई आप भी आ जाना खाना बनाने के लिए। टेंट बुक करके आता है उसको भी डेट नहीं देकर आना, कभी आ जाना। आगे लड़की वाले को भी डेट नहीं देते कि हम कभी भी बारात लेके आ जाएंगे। तो क्या ऐसे लड़के की कभी शादी होती है देखी है आपने? मैंने तो नहीं देखी है, और हो सकता है आपने भी ना देखी हो। साथियों, इसीलिए अगर आपने कामयाब होना है तो सबसे जरूरी काम क्या है? सबसे जरूरी काम है बैठ करके पहले प्लानिंग करें, पहले वो प्लानिंग पेपर में होनी चाहिए, और वो फिर प्लानिंग आगे एक्शन में कन्वर्ट होनी चाहिए, और फिर उसके बाद एक रिजल्ट आएगा। क्योंकि बिना प्लानिंग के आप यहां आगे नहीं बढ़ सकते, बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं हो सकता, प्लानिंग जरूर करें। 5वां पॉइंट, जब आप प्लानिंग करके एक्शन लेंगे, एक्शन लेकर के काम करेंगे तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट 2 प्रकार का आएगा, या तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा कि आपके साथ टीम बनेगी, आपके साथ लोग काम करेंगे, या आपके साथ लोग काम नहीं करेंगे, आपकी टीम नहीं बनेगी। दोनों ही रिजल्ट अच्छे हैं, दोनों ही रिजल्ट अच्छे हैं। आपने काम किया, रिजल्ट आया, अब आपने 5वां पॉइंट क्या करना है, उसको एनालाइज करना है। मेरे साथ लोग जुड़े, लोग आए, लोगों ने मेरी बात को सुना, लोगों ने मेरी बात को समझा, तो क्यों समझा, कौन से ऐसे अच्छे पॉइंट थे जो मैंने लोगों के साथ शेयर करे, जो लोगों से बताए, जो लोगों को समझाए, जिनकी वजह से लोग मेरे साथ आगे, उसको एनालाइज करें और उनको दोबारा रिपीट करें, रिपीट करें, रिपीट करें और रिपीट करें। लेकिन आपने लोगों को बताया, आपने लोगों को समझाया, आपने लोगों को इस सिस्टम को दिखाया, लेकिन लोग नहीं आए, तो अब दोबारा से एनालाइज करें कि आपने कौन से ऐसे शब्द बोले जिनकी वजह से लोग नहीं समझे, नहीं आए, उन्होंने बिलीव नहीं किया। उन शब्दों को चेंज करें, काम करने के तरीके को चेंज करें और दोबारा लग जाइए, क्योंकि आपके पास वो शब्द आपको मिल गए जिन शब्दों से लोग नहीं आ सकते, यानी कि आपको एक्सपीरियंस हो गया। बहुत सारे साथी यहीं पर गलती करते हैं, बहुत सारे साथी यहीं पर गलती करते हैं, वो अपने शब्दों को, अपने काम करने के तरीकों को चेंज नहीं करते, वो काम को ही चेंज कर देते हैं। और अगर आप काम करने के तरीकों को चेंज ना करके अपने काम को ही चेंज कर देंगे तो कामयाब कैसे होंगे, है ना? इसलिए साथियों, आपको काम करने के तरीके को चेंज करना है, ना कि काम को। अगर आप कोई दुकान चला रहे हैं और आपको लग रहा है ग्राहक कम आ रहा है दुकान पे, तो क्या दुकान को बदल करके दूसरी दुकान खोल लेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए, ग्राहक को लाने के लिए, ग्राहक का आपके पास ज्यादा से ज्यादा आए, उसके लिए कुछ तरीके चेंज करेंगे आप, ना कि दुकान चेंज करेंगे, है ना? आपने भी फॉरएवर को चेंज नहीं करना, फॉरएवर में काम करने के तरीके को चेंज करना है ना? तो आप कामयाब हो जाएंगे। अब फाइनल पॉइंट, 6ठा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट। साथियों, अगर आप फॉरएवर में आकर के कामयाब हो गए हैं तो आपने कंटिन्यू अपनी सक्सेस को अपनी टीम में फॉरवर्ड करना है, अपनी टीम में भी वही बताना है आप कैसे कामयाब हुए हैं, अपनी टीम में भी डुप्लीकेसी करनी है, अपनी टीम में भी अपने जैसे लोग बनाने हैं,
और अगर आप कामयाब नहीं हुए हैं तो आपने अपने सीनियर के साथ बैठना है, आपने सीनियर के जैसा डुप्लीकेट बनना है, जैसे आपके सीनियर कामयाब हो रहे हैं वैसे ही आपने कामयाब होना है। तो यानी कि आपको हमेशा सीखते रहना है। अब अगर आप कामयाब हो गए तो अपनी टीम को सिखाइए, नहीं सीखे हैं तो दोबारा से सीखिए, है ना। इसको कहते हैं देखें और सुधार करें, देखें और सुधार करें, और धीरे धीरे देखेंगे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपकी टीम में भी आपके जैसे लोग आते चले जाएंगे, आपकी टीम में भी लोग डेवलप होते चले जाएंगे, आपकी टीम में भी लोग मैनेजर बनते चले जाएंगे और आप भी एक शानदार सक्सेस बन जाएंगे और आपके पास भी एक शानदार चेक होगा। और मुझे ऐसे लगता है अगर आपने इन 6 पॉइंटों को फॉलो कर लिया तो मेरे हिसाब से 8 से 10 महीना या मैक्सिमम 12 महीना आपको लगेगा एक शानदार मैनेजर बनने में, क्योंकि रातों रात महल खड़े नहीं होते, रातों रात झोपड़ियां जरूर खड़ी हो जाती हैं, और झोपड़ी किसी भी हवा में किसी भी तूफान में उड़ जाती हैं, लेकिन महल हवा में और तूफान में नहीं उड़ा करते। तो अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, रातों रात आप मैनेजर बन जाएं तो रातों रात बन भी जाएंगे लेकिन रातों रात उड़ भी जाएंगे आप। साथियों, आपने मजबूत पिलर खड़े करने हैं, मजबूत टीम बनानी है, नॉलेज के साथ टीम को बनाना है, आपने खुद भी नॉलेज लेनी है और इस तरीके के मैनेजर आप बने कि आने वाले 50-100 साल तक आप इस कंपनी में काम करते रहें और आपके बाद आपका परिवार काम करता रहे और उनके बाद उनका परिवार काम करता रहे। यानी कि इस बिजनेस को हमेशा हमेशा के लिए डेवलप करें, ना कि 1-2 साल के लिए डेवलप करें, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको 6 महीना पैसा आए और उसके बाद आना बंद हो जाए, आपको 1 साल पैसा आए और उसके बाद आना बंद हो जाए। लेकिन आपको ये जरूर अच्छा लगेगा कि आपको 5-6 महीने तक कम पैसा आ रहा है, उसके बाद ज़्यादा पैसा आना शुरू हो रहा हो और वो जीवन भर बढ़ता ही चला जाए, जीवन भर बढ़ता ही चला जाए और जीवन भर आए। तो आप 5-6 महीना पैसा कमाना चाहते हो या जीवन भर पैसा कमाना चाहते हो, मुझे कमेंट जरूर करके बताइए। आप 5-6 महीना पैसा कमाना चाहते हो या जीवन भर पैसा कमाना चाहते हो, ये कमेंट में आपका आना चाहिए। मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ हमारे साथ कितने ऐसे साथी हैं जो सीख रहे हैं और वो 6 महीना पैसा कमाने के लिए आए हैं या जीवन भर पैसा कमाने के लिए आए हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है आज ये जो 6 पॉइंट आपने समझे हैं ये आपको समझ में आए होंगे। मुझे पता है आज के बाद आपके काम करने के तरीके में, आपकी सोच में, आपकी समझ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, लेकिन परिवर्तन उनके ही आएगा जो परिवर्तन होने के लिए तैयार खड़े होंगे, परिवर्तन करने के लिए तैयार होंगे। परिवर्तन केवल उनके जीवन में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बनता है, अगर कोई ज़रूरतमंद ऐसा लग रहा है आपको ये वीडियो उसको शेयर करनी चाहिए तो शेयर भी कर सकते हैं आप, इसको शेयर भी बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब करना भी बनता है। और आप इतनी देर से सीख रहे हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप मेरे कंटिन्यू वो सदस्य हैं परिवार के जो कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखते हैं, कंटिन्यू प्यार मिलता है, आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, है ना, तो आप भी सीख रहे हैं, आप भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, उसके लिए आपका भी थैंक यू बनता है। और कल सुबह हम दोबारा मिलेंगे 9 बजे के सेशन में, आप सभी लोग तैयार रहिएगा, है ना। 9 बजे से 5 मिनट पहले आप तैयार होकर के बिल्कुल बैठ जाते हैं, आपके कमेंट में देखता रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कल सुबह दोबारा 9 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।